सुबह सुबह उठ चुके हैं छोटे छोटे, और पंप की सहूलत भी मौजूद है, और इधर ये कैन वगैरह रखे हुए हैं कब्रों वगैरह पर पानी ले जाने के लिए, और ये पानी से भरे पड़े हैं जी। ये देखें जी, शीशे का काम हुआ है अंदर सारा, फिलहाल लाइट गई हुई है जिसकी वजह से पंखा बंद है, और ये सारा जी शीश महल बना हुआ है अंदर से। हम आए हैं दरबार पे हाजिरी के लिए, और इधर है जी कब्रिस्तान, इधर कब्रिस्तान पर भी आए हैं कब्रों पर हाजिरी के लिए, और साथ हमने दरबार पर सलाम वगैरह कर लिया। दरबार के खूबसूरत मनाजर अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो भाई ये बार है जी हमारा बहुत प्यारा परोठा जी। वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज के लोग शुरू करते हैं आप। तो गाइस नई सुबह हो चुकी है, तकरीबन 5:30 हो चुके हैं, और सुबह सुबह हम फिर रहे हैं अपने चौक में, और ये परिंदे देखें जी सुबह सुबह उठ चुके हैं छोटे छोटे। हम फिर रहे हैं अपने जमाल चौक की यादगार में, अभी सूरज वगैरह नहीं निकला फिलहाल। आज हम बहुत जल्दी उठ चुके हैं, और ये सड़क पर फिर रहे हैं जी जानवर, अभी सफाई करके गए हैं लोग, और इधर ये जानवर अपना दाना दुनगा चुग रहे हैं जी। तो भाई ये बार है जी हमारा बहुत प्यारा परोठा जी, मज़ेदार सा। हम जा रहे हैं जी बाहर चने वाले के पास चने लेने, चने वाले के पास हम पहुंच चुके हैं, और हमारे चने डर रहे हैं जी फिलहाल गर्मा गर्म। सूरज निकल चुका है जी पूरी अपनी आबोताब से, और अब तकरीबन 7 बजे का टाइम हो चुका है, और हवाएं चल रही हैं प्यारी प्यारी सी, और ट्रैफिक भी चल रही है बहुत कम। क्या करने लगा है, किसके साथ? चने के साथ। और रोटी। अच्छा, एक और रोटी। हाँ पापड़ी वाली, आप पापड़ खाते हो? स्कूल की रेडी क्यों शादी, कौन कौन स्कूल आया? बेबी मैं और पापा। आज हम आए हैं दरबार पे, और दरबार पर इधर हाजिरी देने के लिए, और आपको भी इधर का विजिट करवाते हैं। दरबार के खूबसूरत मनाजर अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो हम हो रहे हैं जी इंटर, ये देखें जी इधर टाइल वगैरह का काम हुआ हुआ है, और ये आ गया जी मजार शरीफ, अंदर भी सारा खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये देखें जी शीशे का काम हुआ हुआ है अंदर सारा, फिलहाल लाइट गई हुई है जिसकी वजह से पंखा बंद है, और ये सारा जी शीश महल बना हुआ है अंदर से। दरबार बाबा मदेशाह, और ये जी मजार शरीफ, इधर दिए वगैरह जलाए जाते हैं।
ये देखिए ये देख, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा। और साथ है जी कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में भी चार दीवारी हुई हुई हर तरफ से। और ये देखिए ये इधर पौधा लगा हुआ, ये काफी पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है, इसे करी का पौधा कहा जाता है। अंदर से हमने आपको दिखा दिया और अब बाहर से दिखाते हैं। और ये सारा मार्बल लगा हुआ है जी, नीचे ऊपर हर जगह, और काफी खूबसूरत है जी। अब हम आ गए पिछली साइड पर, ये देखें। और इधर है जी कब्रिस्तान, इधर कब्रिस्तान पर भी आए हैं कब्रों पर हाजिरी के लिए, और साथ अपने दरबार पर सलाम वगैरह कर लिया। और इधर है सारा कब्रिस्तान, आखिरी आराम गाहें। ये काफ़ी कदीम कब्रिस्तान है जी, और ये दरबार भी काफ़ी कदीम है। ये देखो और इधर एक और बना हुआ है दरबार शरीफ, ये देखो। लगा हुआ है चूल्हा वगैरह, और इधर लंगर वगैरह का इंतजाम भी होता है, लोगों के बैठने की ये जगह बनाई गई स्पेशल। और इधर साथ है जी मस्जिद, और मस्जिद का भी इधर छोटा सा बना हुआ है प्लाट, ये देखें जी ग्रीन ग्रीन सा। और इधर पौधे भी लगे हुए हैं खूबसूरत, ये देखें जी। काफी खूबसूरत है जी इधर, और इधर प्लाट बना हुआ है बैठने के लिए। और इधर है जी ठंडी जगह बहुत ज्यादा, और ये पौधे लगे हुए हैं जी काफी खूबसूरत। इधर और ये इधर चूल्हे बने हुए हैं जी, ये मेले और के दिनों में इधर लंगर वगैरह पकाया जाता है, इसलिए ये लगे हुए हैं इधर। और साथ ही है जी नहर, ये देखें जी दरबार के साथ है नहर बिल्कुल, ये देखें। और नहर के किनारे बांधे हुए हैं जानवर काफ़ी ज़्यादा तादाद में। ये देखें जी, और इधर लगे हुए हैं काफ़ी पौधे, वो भी आपको दिखा देते हैं। और ये है जी मस्जिद खूबसूरत सी, इधर दर्स की भी सहूलत मौजूद है जी। और पंप की सहूलत भी मौजूद है, और इधर ये कैन वगैरह रखे हुए हैं कब्रों वगैरह पर पानी ले जाने के लिए, और ये पानी से भरे पड़े हैं जी, ये देखें। इधर के जो मलंग हज़रात हैं वो उनमें पानी भर देते हैं, और जिस किसी दोस्त ने इधर से पानी लेके जाना हो ले जाते हैं, और कब्रों वगैरह पर तरकाव वगैरह कर देते हैं जी, ये नेकी का काम है। करते हैं गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।